हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मुसीबत हर दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेवल एवरेज डे 2001 की एक फ्रांसी कॉमिक हॉरर फिल्म है, जो क्लेरियर डेनिस द्वारा निर्देशित और डेनिस और जीन पॉल कॉरियल द्वारा लिखित है। इसमें वेस्टली गॉलियर, ट्रेरियर्स, बेसिक प्रेडल, इरेक्शन ब्रेलियर और ब्रेलियर हरानिंग ने अभिमन्य किया है। फिल्म का साउट्रेन एडिक्शन द्वारा प्रदान किया गया है। द्वारा निर्देशित एवल फिल्म में निर्देशित क्लेरियर डेनिसिल पटकथा की है। केरियल डेनिसी जीना फोल ब्रेवर द्वारा निर्मित जॉर्ज वेम्योर अभिनेती विस्टेन ग्लेरी दोरेकल वेरिशी ब्रेटर डॉलिंग एक्सनेट छायांकन एलिस गेडर द्वारा संपादित नीली क्लोविटर संगीत दिया है टिकॉन सेट उत्पादक कंपनियां एटोल फ्रांसिक सिनेमा नहर स्टेन नेशनल डालो सिनेमा ग्रोफी ट्रेनर्स फिल्म मेस्टॉल फिल्म जेवटॉन टॉनिचल फ्रांसिक स्नेहंग द्वारा वितरित रिजोल फिल्म फ्रांसी में काइनेट जापान लेटर 47 यूरिक विलियन क्रेजड्रा फिल्म ट्रेशिल रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001 11 जुलाई 2001 फ्रांस 2 नवंबर 2001 जापान कार्यकारी समय 101 मिनट देश फ्रांस जर्मनी जापान बोली फ्रेंची अंग्रेजी बजट 3.8 मिलियन एलेक्सिन हॉजर जिन्होंने डेनिसल की पिछली फिल्म नेटन एट वॉमिंग में अनुभवीय किया था। एक मृतल में एक लड़की के रूप में एक छोटा सा केमियो है जो सेन को दिखती है। एक अमेरिकन जोड़ा सॉन्डेन डॉक्टर सैनी ब्राउन और उनकी पत्नी जूनी प्रेशियर जानते हैं जहरी तौर पर उनके नए निमन के लिए वास्तविक में सैन नुशल डॉल लियो स्टेमियर और उनकी पत्नी कोरल का शिकार करने के लिए प्रेशियर आगे है। उन्हें सैन एक बार जानते थे और उनके प्रति जूनी थे। एक शानदार फेलियर होने के बावजूद लिए अब लो प्रेरिफल रखने के लिए एक सामान्य चिकित्सा के रूप में काम कर रहा है।
वह हर दिन कोर को उनके घर बंद कर देता है, लेकिन वह कभी भाग जाता है और पुरुषों के साथ हिंसक हत्या करने से पहले उनके साथ यौनी संबंध बनाती है। उसकी रक्षा के लिए लियो सैव को दफनाने देते हैं। सैनी सेवेंट के ठिकाने की जांच शुरू करती है एक डॉक्टर जो कभी लियो के साथ काम करता है। अंत सैनी को डिपॉन्टेट का पता देती है जहां समझते हुए कि कौर अवस्था है। इस बीच को ह्यूबी जो सैनी के शहर में घुसा रहे हैं और उनमें ऐसे एक कोरल को एक बैटल ऑफ कमरे में बाता है। जब वह उसे बखाती है कि वे शेयर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह हिंसक रूप से उसे मौत के घाट उतार देती है, जिससे उसकी जैवी को उसके दांतों से निकालने के लिए जहाँ सोडल आती है और मेटल को खून के वह उसे काटने की कोशिश करती है, लेकिन सोडी और उसके हवाइयों को जैसे ही वह उसके गाले टॉर्च में जाते हैं हवाई हो जाते हैं। जैसे ही वह उसका गला घोटती है तो वह माचिस गिरा देती है और जिससे कि घर में आग लग जाती है। सेना उसे आग की लपटों में से वैश्वित होने के लिए छोड़ देती है। सैनी के जाने के लिए ठीक बाद लियो आता है और नहरिहार और मृत्य कौर को दिखाता है। कौर की मृत्यु के बाद सेना अजीब और दूर हो जाती है। अपनी पत्नी के साथ सह करते हुए वह रुक जाता है और भस्मीकृत करने ख़त्म कर देता है। फिर उसे दूर भागता है और एक विलय गैद गोद लेता है। अंत में वह एक होटल में जाता है जहाँ वह एक नौकरी करने के साथ बेरहमी से बलात्कार करता है और से काटता है कि फिर उसके शहर से खून की बौछार करता है और धासता है कि उसकी पत्नी प्रेशर करती है कि और योनि पर घट लेते हैं के लिए सहमत होते हैं। शनी ब्राउन के रूप में बेसी गैलो, जॉनी ब्राउन के रूप में ट्रेगल वैशी, कोरी के रूप में ब्रेजी डेल, लियो सैनिम के रूप में ब्रेटल डेल। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मुसीबत हर दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेवल एवरी डे 2001 की एक फ्रांसी कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो क्लेरियर डेनिस द्वारा निर्देशित और टेनिस और जीन पॉल कॉरियल द्वारा लिखित है। इसमें वेस्टली गोलियर ट्रेरियर्स बेसिक प्रेडल इरेक्शन मेलियर और मेलियर हरानिंग ने अभिनय किया है। फिल्म का साउट्रेन एडिक्शन द्वारा प्रदान किया गया है। द्वारा निर्देशित एवल फिल्म में निर्देशित क्लेरियर डेनिसिल पटकथा की है। केरियल डेनिसी जीना फोल फ्रेवर द्वारा निर्मित जॉर्ज वेमियोर अभिनेती विस्टेन ग्लेरी दोरेकल वेरिशी ब्रेटर डॉलिंग एक्सनेट छायांकन एलिस गेडर्स द्वारा संपादित नीली क्लोविटर संगीत दिया है टिकॉन सेट उत्पादक कंपनियां एटोल फ्रांसिक सिनेमा नहर स्टेन नेशनल डार लो सिनेमा ग्रोफी
ट्रेनर्स फिल्म मेस्टॉल फिल्म जेवटॉन टॉनिचल फ्रांसिक स्नेहंग द्वारा वितरित रिजॉल फिल्म फ्रांसी में काइनेट जापान लेटर 47 यूरिक विलियन क्नेजड्रा फिल्म ट्रेशिल रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001 11 जुलाई 2001 फ्रांस 2 नवंबर 2001 जापान कार्यकारी समय 101 मिनट देश फ्रांस जर्मनी जापान बोली फ्रेंची अंग्रेजी बजट 3.8 मिलियन एलेक्सिन हर्जर जिन्होंने डेनिशल की पिछली फिल्म नेटन एट वार्मिंग में अनुभवीय किया था एक मृतल में एक लड़की के रूप में एक छोटा सा केमियो है जो सेन को दिखती है एक अमेरिकन जोड़ा सोंडेन डॉक्टर सैनी ब्राउन और उनकी पत्नी जूनी प्रेशियर जानते हैं जहरी तौर पर उनके नहनीमन के लिए वास्तविक में सैन नुशल डॉल लियो स्टेमियर और उनकी पत्नी कोरल का शिकार करने के लिए प्रेशियर आगे है उन्हें सैन एक बार जानते थे और उनके प्रति जूनी थे एक शानदार फेलियर होने के बावजूद लिए अब लो प्रेरिफल रखने के लिए एक सामान्य चिकित्सा के रूप में काम कर रहा है वह हर दिन कोर को उनके घर बंद कर देता है लेकिन वह कभी भाग जाता है और पुरुषों के साथ हिंसक हत्या करने से पहले उनके साथ यौन संबंध बनाती है उसकी रक्षा के लिए लियो सैम को दफनाने देते हैं सैनी सेमेंट के ठिकाने की जांच शुरू करती है एक डॉक्टर जो कभी लियो के साथ काम करता है अंत सैनी को डिपॉजिट का पता देती है जहाँ समझते हुए कि कौन अवस्था है इस बीच को यूवी जो सैनी के शहर में घुसा रहे हैं और उनमें ऐसे एक कोरल को एक बैटल ऑफ कमरे में बाता है जब वह उसे बखाती है कि वे शय करना शुरू कर देते हैं लेकिन वह हिंसक रूप से उसे मौत के घाट उतार देती है जिससे उसकी जैविक और उसके दांतों से निकलने के दिए जा सोडल आती है और मेटल को खून के वह उसे काटने की कोशिश करती है लेकिन सोनी और उसके हवाइयों को जैसे ही वह उसके गाले टॉर्च में जाते हैं हवाई हो जाते हैं जैसे ही वह उसका गला घोटती है तो वह माचिस गिरा देती है और जिससे कि घर में आग लग जाती है सेना उसे आग की लपटों में से वैश्वित होने के लिए छोड़ देती है सैनी के जाने के लिए ठीक बाद लियो आता है और नहरिहार और मृत्य कौर को दिखाता है कौर की मृत्यु के बाद सेना जीव और दूर हो जाती है अपनी पत्नी के साथ सह करते हुए वह रुक जाता है और भस्मीकृत करने ख़त्म कर देता है फिर उसे दूर भागता है और एक विलय गैद गोद लेता है अंत में वह एक होटल में जाता है जहाँ वह एक नौकरी करने के साथ बेरहमी से बलात्कार करता है और से काटता है कि फिर उसके शहर से खून की बौछार करता है और धास्ता है कि उसकी पत्नी प्रेशर करती है कि और योनी पर घट लेते हैं के लिए सहमत होते हैं सैनी ब्राउन के रूप में बेसी गैलो जॉनी ब्राउन के रूप में ट्रेगल वैशी कोरी के रूप में ब्रेजी डेल लियो सैनिम के रूप में ब्रेटल डेल ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मुसीबत हर दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेवल एवरेज डे 2001 की एक फ्रांसी कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो क्लेरियर डेनिस द्वारा निर्देशित और डेनिस और जीन पॉल कॉरियल द्वारा लिखित है। इसमें वेस्टली गॉलियर ट्रेरियर्स बेसिक प्रेडल इरेक्शन ब्रेलियर और ब्रेलियर हरानी ने अभिनय किया है। फिल्म का साउट्रेन एडिक्शन द्वारा प्रदान किया गया है। द्वारा निर्देशित एवल फिल्म में निर्देशित क्लेरियर डेनिसिल पटकथा की है। केरियल डेनिसी जीना फोल ब्रेवर द्वारा निर्मित जॉर्ज वेम्योर अभिनेती विस्टेन ग्लेरी दोरेकल वेरिशी ब्रेटर डॉलिंग एक्सनेट छायांकन एलिस गेडर द्वारा संपादित नीली क्लोविटर संगीत दिया है टिकॉन सेट उत्पादक कंपनियां एटोल फ्रांसिक सिनेमा नहर स्टेन नेशनल डालो सिनेमा ग्रोफी ट्रेनर्स फिल्म मेस्टोल फिल्म जेवटॉन टॉनिचल फ्रांसिक स्नेहंग द्वारा वितरित रिजोल फिल्म फ्रांसी में काइनेट जापान लेटर 47 यूरिक विलियन क्रेजड्रा फिल्म ट्रेशिल रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001 11 जुलाई 2001 फ्रांस 2 नवंबर 2001 जापान कार्यकारी समय 101 मिनट देश फ्रांस जर्मनी जापान बोली फ्रेंची अंग्रेजी बजट 3.8 मिलियन एलेक्सिन हॉजर जिन्होंने डेनिसल की पिछली फिल्म नेटन एट वॉमिंग में अनुभवीय किया था। एक मृतल में एक लड़की के रूप में एक छोटा सा केमियो है जो सेन को दिखती है। एक अमेरिकन जोड़ा सॉन्डेन डॉक्टर सैनी ब्राउन और उनकी पत्नी जूनी प्रेशियर जानते हैं जहरी तौर पर उनके नए निमन के लिए वास्तविक में सैन नुशल डॉल लियो स्टेमियर और उनकी पत्नी कोरल का शिकार करने के लिए प्रेशियर आगे है। उन्हें सैन एक बार जानते थे और उनके प्रति जूनी थे। एक शानदार फेलियर होने के बावजूद लिए अब लो प्रेरिफल रखने के लिए एक सामान्य चिकित्सा के रूप में काम कर रहा है। वह हर दिन कोर को उनके घर बंद कर देता है लेकिन वह कभी भाग जाता है और पुरुषों के साथ हिंसक हत्या करने से पहले उनके साथ यौनी संबंध बनाती है। उसकी रक्षा के लिए लियो सैव को दफनाने देते हैं। सैनी सेवेंट के ठिकाने की जांच शुरू करती है। एक डॉक्टर जो कभी लियो के साथ काम करता है अंत सैनी को डिपॉन्टेड का पता देती है जहाँ समझते हुए कि कौर अवस्था है। इस बीच को ह्यूबी जो सैनियों के शहर में घुसा रहे हैं और उनमें ऐसे एक कोरल को एक बैटल ऑफ कमरे में बाता है
जब वह उसे बखाती है कि वे शेयर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह हिंसक रूप से उसे मौत के घाट उतार देती है, जिससे उसकी जेवी को उसके दांतों से निकालने के लिए जा सोडल आती है और वेटल को खून के वह उसे काटने की कोशिश करती है, लेकिन सोनी और उसके हवाइयों को जैसे ही वह उसके गाले टॉर्च में जाते हैं हवाई हो जाते हैं। जैसे ही वह उसका गला घोटती है तो वह माचिस गिरा देती है और जिससे कि घर में आग लग जाती है। सेना उसे आग की लपटों में से वैश्वित होने के लिए छोड़ देती है। सैनी के जाने के लिए ठीक बाद लियो आता है और नहरिहार और मृत्य कौर को दिखाता है। कौर की मृत्यु के बाद सेना अजीब और दूर हो जाती है। अपनी पत्नी के साथ सह करते हुए वह रुक जाता है और भस्मीकृत करने ख़त्म कर देता है। फिर उसे दूर भागता है और एक विलय गैद गोद लेता है। अंत में वह एक होटल में जाता है जहाँ वह एक नौकरी करने के साथ बेरहमी से बलात्कार करता है और से काटता है कि फिर उसके शहर से खून की बौछार करता है और धास्ता है कि उसकी पत्नी प्रेशर करती है कि और योनि पर घट लेते हैं के लिए सहमत होते हैं। शनी ब्राउन के रूप में बेशी गैलो, जॉनी ब्राउन के रूप में ट्रेगल वैशी, कोरी के रूप में ब्रेजी डेल, लियो सैनिम के रूप में ब्रेटल डेल। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मुसीबत हर दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेवल एवरेज डे 2001 की एक फ्रांसी कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो क्लेरियर डेनिस द्वारा निर्देशित और टेनिस और जीन पॉल कॉरियल द्वारा लिखित है। इसमें वेस्टली गोलियर ट्रेरियर्स बेसिक प्रेडल इरेक्शन मेलियर और मेलियर हरानिंग ने अभिनय किया है। फिल्म का साउट्रेन एडिक्शन द्वारा प्रदान किया गया है। द्वारा निर्देशित एवल फिल्म में निर्देशित क्लेरियर डेनिसिल पटकथा की है। केरियल डेनिसी जीना फोल फ्रेवर द्वारा निर्मित जॉर्ज वेम्योर अभिनेती विस्टेन ग्लेरी दोरेकल वेरिशी ब्रेटर डॉलिंग एक्सनेट छायांकन एलिस गेडर द्वारा संपादित नीली क्लोविटर संगीत दिया है टिकॉन सेट उत्पादक कंपनियां एटोल फ्रांसिक सिनेमा नहर स्टेन नेशनल डालो सिनेमा ग्रोफी ट्रेनर्स फिल्म मेस्टॉल फिल्म जेवटॉन टॉनिचल फ्रांसिक स्नेहंग द्वारा वितरित रिजोल फिल्म फ्रांसी में काइनेट जापान लेटर 47 यूरिक विलियन क्रेजड्रा फिल्म ट्रेशिल रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001 11 जुलाई 2001 फ्रांस 2 नवंबर 2001 जापान कार्यकारी समय 101 मिनट देश फ्रांस जर्मनी जापान बोली फ्रेंची अंग्रेजी बजट 3.8 मिलियन एलेक्सिन हॉजर जिन्होंने डेनिसल की पिछली फिल्म नेटन एट
वार्मिंग में अनुभव किया था। एक मृतल में एक लड़की के रूप में एक छोटा सा केमियो है जो सेन को दिखती है। एक अमेरिकन जोड़ा सोंडेन डॉक्टर सैनी ब्राउन और उनकी पत्नी जूनी प्रेशियर जानते हैं जहरी तौर पर उनके नहनीमन के लिए वास्तविक में सैन नुशल डॉल लियो स्टेमियर और उनकी पत्नी कोरल का शिकार करने के लिए प्रेशियर आगे है। उन्हें सैन एक बार जानते थे और उनके प्रति जूनी थे। एक शानदार फेलियर होने के बावजूद लिए अब लो प्रेरिफल रखने के लिए एक सामान्य चिकित्सा के रूप में काम कर रहा है। वह हर दिन कोर को उनके घर बंद कर देता है लेकिन वह कभी भाग जाता है और पुरुषों के साथ हिंसक हत्या करने से पहले उनके साथ यौन संबंध बनाती है। उसकी रक्षा के लिए लियो सैम को दफनाने देते हैं। सैनी सेवेंट के ठिकाने की जांच शुरू करती है। एक डॉक्टर जो कभी लियो के साथ काम करता है अंत सैनी को डिपार्टमेंट का पता देती है जहाँ समझते हुए कि कौन अवस्था है। इस बीच को यूवी जो सैनी के शहर में घुसा रहे हैं और उनमें ऐसे एक कोरल को एक बैटल ऑफ कमरे में बाता है। जब वह उसे बखाती है कि वे शय करना शुरू कर देते हैं लेकिन वह हिंसक रूप से उसे मौत के घाट उतार देती है जिससे उसकी जैविक और उसके दांतों से निकालने के लिए जा सोडल आती है और मेटल को खून के वह उसे काटने की कोशिश करती है लेकिन सोनी और उसके हवाइयों को जैसे ही वह उसके गाले टॉर्च में जाते हैं हवाई हो जाते हैं। जैसे ही वह उसका गला गाड़ती है तो वह माचिस गिरा देती है और जिससे कि घर में आग लग जाती है। सेना उसे आग की लपटों में से वैश्वित होने के लिए छोड़ देती है। सैनी के जाने के लिए ठीक बाद लियो आता है और नहरिहार और मृत्य कौर को दिखाता है। कौर की मृत्यु के बाद सेना जीव और दूर हो जाती है। अपनी पत्नी के साथ सह करते हुए वह रुक जाता है और भस्मीकृत करने ख़त्म कर देता है। फिर उसे दूर भागता है और एक विलय गैद गोद लेता है। अंत में वह एक होटल में जाता है जहाँ वह एक नौकरी करने के साथ बेरहमी से बलात्कार करता है और से काटता है कि फिर उसके शहर से खून की बौछार करता है और धास्ता है कि उसकी पत्नी प्रेशर करती है कि और योनी पर घट लेते हैं के लिए सहमत होते हैं। सैनी ब्राउन के रूप में बेसी गैलो जॉनी ब्राउन के रूप में ट्रैगल वैशी कोरी के रूप में ब्रेशी डेल लियो सैनिम के रूप में ब्रेटल डेल। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मुसीबत हर दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेवल एवरेज डे 2001 की एक फ्रांसी कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो क्लेरियर डेनिस द्वारा निर्देशित और टेनिस और जीन पॉल कॉरियल द्वारा लिखित है। इसमें वेस्टली गोलियर
ट्रेरियर्स बेसिक प्रेडल इरेक्शन मरेलियर और मरेलियर हरानिंग ने अभिमन्य किया है। फिल्म का साउट्रेन एडिक्शन द्वारा प्रदान किया गया है। 11 निर्देशित एवल फिल्म में निर्देशित क्लेरियर डेनिशिल पटकथा की है। केरियल डेनिसी जीना फोल ब्रेवर द्वारा निर्मित जॉर्ज वेम्योर अभिनेती विस्टेन ग्लेरी दोरेकल वेरिशी ब्रेटर डॉलिंग एक्शनेट छायांकन एलिस गेडर द्वारा संपादित नीली क्लोविटर संगीत दिया है टिकॉन सेट उत्पादक कंपनियां एटोल फ्रांसिक सिनेमा नहर स्टेन नेशनल डालो सिनेमा ग्रोफी ट्रेनर्स फिल्म मेस्टोल फिल्म जेवटॉन टॉनिचल फ्रांसिक स्नेहंग द्वारा वितरित रिजोल फिल्म फ्रांसी में काइनेट जापान लेटर 47 यूरिक विलियन क्रेजड्रा फिल्म ट्रेशिल रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001 11 जुलाई 2001 फ्रांस 2 नवंबर 2001 जापान कार्यकारी समय 101 मिनट देश फ्रांस जर्मनी जापान बोली फ्रेंची अंग्रेजी बजट 3.8 मिलियन एलेक्सिन हॉजर जिन्होंने डेनिशल की पिछली फिल्म नेटन एट वॉमिंग में अनुभवीय किया था एक मृतल में एक लड़की के रूप में एक छोटा सा केमियो है जो सेन को दिखती है। एक अमेरिकन जोड़ा सॉन्डेन डॉक्टर सैनी ब्राउन और उनकी पत्नी जूनी प्रेशियर जानते हैं जहरी तौर पर उनके नए निमन के लिए वास्तविक में सैन नुशल डॉल लियो स्टेमियर और उनकी पत्नी कोरल का शिकार करने के लिए प्रेशियर आगे है। उन्हें सैन एक बार जानते थे और उनके प्रति जूनी थे। एक शानदार फेलियर होने के बावजूद लिए अब लो प्रेरिफल रखने के लिए एक सामान्य चिकित्सा के रूप में काम कर रहा है। वह हर दिन कोर को उनके घर बंद कर देता है लेकिन वह कभी भाग जाता है और पुरुषों के साथ हिंसक हत्या करने से पहले उनके साथ यौनी संबंध बनाती है। उसकी रक्षा के लिए लियो सैम को दफनाने देते हैं। सैनी सेमेंट के ठिकाने की जांच शुरू करती है। एक डॉक्टर जो कभी लियो के साथ काम करता है अंत सैनी को डिपॉजिट का पता देती है जहां समझते हुए कि कौन अवस्था है। इस बीच को ह्यूबी जो सैनी के शहर में घुसा रहे हैं और उनमें ऐसे एक कोरल को एक बैटल ऑफ कमरे में बाता है। जब वह उसे बखाती है कि वे शेयर करना शुरू कर देते हैं लेकिन वह हिंसक रूप से उसे मौत के घाट उतार देती है जिससे उसकी जेबी को उसके दांतों से निकालने के लिए जहाँ सोडल आती है और मेडिकल को खोल के वह उसे काटने की कोशिश करती है लेकिन सोनी और उसके हवाइयों को जैसे ही वह उसके गाले टॉर्च में जाते हैं हवाई हो जाते हैं। जैसे ही वह उसका गला घोटती है तो वह माचिस गिरा देती है और जिससे कि घर में आग लग जाती है। सेना उसे आग की लपटों में से वैश्वित होने के लिए छोड़ देती है। सैनी के जाने के लिए ठीक बाद लियो आता है और नहरिहार
और मृतक कौर को दिखाता है। कौर की मृत्यु के बाद सेना जीव और दूर हो जाती है। अपनी पत्नी के साथ सह करते हुए वह रुक जाता है और भस्मित करने ख़त्म कर देता है। फिर उसे दूर भागता है और एक विलय गैद गोद लेता है। अंत में वह एक होटल में जाता है जहां वह एक नौकरी करने के साथ बेरहमी से बलात्कार करता है और से काटता है कि फिर उसके शहर से खून की बौछार करता है और धास्ता है कि उसकी पत्नी प्रेशर करती है कि और योनि पर घट लेते हैं के लिए सहमत होते हैं। शनी ब्राउन के रूप में बेशी गैलो, जॉनी ब्राउन के रूप में रेगल वैशी, कॉरी के रूप में ब्रेजी डेल, लियो सैनिम के रूप में ब्रेटल डेल। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मुसीबत हर दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेवल एवरेज डे 2001 की एक फ्रांसी कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो क्लेरियर डेनिस द्वारा निर्देशित और डेनिस और जीन पॉल कॉरियल द्वारा लिखित है। इसमें वेस्टली गोलियर ट्रेरियर्स बेसिक प्रेडल इरेक्शन मेलियर और मेलियर हरानिंग ने अभिनय किया है। फिल्म का साउट्रेन एडिक्शन द्वारा प्रदान किया गया है। द्वारा निर्देशित एवल फिल्म में निर्देशित क्लेरियर डेनिसल पटकथा की है। केरियल डेनिसी जीना फोल फ्रेवर द्वारा निर्मित जॉर्ज वेम्योर अभिनेती विस्टेन ग्लेरी दोरेकल वेरिशी ब्रेटर डॉलिंग एक्शनेट छायांकन एलिस गेडर द्वारा संपादित नीली क्लोविटर संगीत दिया है टिकॉन सेट उत्पादक कंपनियां एटोल फ्रांसिक सिनेमा नहर स्टेन नेशनल डालो सिनेमा ग्रोफी ट्रेनर्स फिल्म मेस्टोल फिल्म जेवटॉन टॉनिचल फ्रांसिक स्नेहंग द्वारा वितरित रिजोल फिल्म फ्रांसी में काइनेट जापान लेटर 47 यूरिक विलियन क्रेजड्रा फिल्म ट्रेशिल रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001 11 जुलाई 2001 फ्रांस 2 नवंबर 2001 जापान कार्यकारी समय 101 मिनट देश फ्रांस जर्मनी जापान बोली फ्रेंची अंग्रेजी बजट 3.8 मिलियन एलेक्सिन हॉजर जिन्होंने डेनिसल की पिछली फिल्म नेटन एट वॉमिंग में अनुभव्य किया था। एक मृतल में एक लड़की के रूप में एक छोटा सा केमियो है जो सेन को दिखती है। एक अमेरिकन जोड़ा सॉन्डेन डॉक्टर सैनी ब्राउन और उनकी पत्नी जूनी प्रेशियर जानते हैं जहरी तौर पर उनके नहनीमन के लिए वास्तविक में सैन नुशल डॉल लियो स्टेमियर और उनकी पत्नी कोरल का शिकार करने के लिए प्रेशियर आगे है। उन्हें शेन एक बार जानते थे और
उनके प्रति जूनी थे। एक शानदार फेलियर होने के बावजूद लिए अब लो प्रेरिफल रखने के लिए एक सामान्य चिकित्सा के रूप में काम कर रहा है। वह हर दिन कोर को उनके घर बंद कर देता है, लेकिन वह कभी भाग जाता है और पुरुषों के साथ हिंसक हत्या करने से पहले उनके साथ यौन संबंध बनाती है। उसकी रक्षा के लिए लियो सैम को दफनाने देते हैं। सैनी सेवेंट के ठिकाने की जांच शुरू करती है। एक डॉक्टर जो कभी लियो के साथ काम करता है अंत सैनी को डिपार्टमेंट का पता देती है, जहां समझते हुए कि कौन अवस्था है। इस बीच को ह्यूबी जो सैनी के शहर में घुसा रहे हैं और उनमें ऐसे एक कोरल को एक बैटल ऑफ कमरे में बाता है। जब वह उसे बखाती है कि वे शय करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह हिंसक रूप से उसे मौत के घाट उतार देती है, जिससे उसकी जैविक और उसके दांतों से निकालने के लिए जा शोडल आती है और मेटल को खून के वह उसे काटने की कोशिश करती है। लेकिन सोनी और उसके हवाइयों को जैसे ही वह उसके गाले टॉर्च में जाते हैं हवाई हो जाते हैं। जैसे ही वह उसका गला गाड़ती है तो वह माचिस गिरा देती है और जिससे कि घर में आग लग जाती है। सेना उसे आग की लपटों में से वैश्वित होने के लिए छोड़ देती है। सैनी के जाने के लिए ठीक बाद लियो आता है और नहरिहार और मृत्य कौर को दिखाता है। कौर की मृत्यु के बाद सेना जीव और दूर हो जाती है। अपनी पत्नी के साथ सह करते हुए वह रुक जाता है और भस्मीकृत करने ख़त्म कर देता है। फिर उसे दूर भागता है और एक विलय गैद गोद लेता है। अंत में वह एक होटल में जाता है जहाँ वह एक नौकरी करने के साथ बेरहमी से बलात्कार करता है और से काटता है कि फिर उसके शहर से खून की बौछार करता है और धास्ता है कि उसकी पत्नी प्रेशर करती है कि और योनी पर घट लेते के लिए सहमत होते हैं। सैनी ब्राउन के रूप में बेसी गैलो, जॉनी ब्राउन के रूप में ट्रैगल वैशी, कोरी के रूप में ब्रेशी डेल, लियो सैनिम के रूप में ब्रेटल डेल। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मुसीबत हर दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेवल एवरेज डे 2001 की एक फ्रांसी कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो क्लेरियर डेनिस द्वारा निर्देशित और टेनिस और जीन पॉल कॉरियल द्वारा लिखित है। इसमें वेस्टली गोलियर, ट्रेरियर्स, बेसिक प्रेडल, इरेक्शन ब्रेलियर और ब्रेलियर हरानी ने अभिनय किया है। फिल्म का साउट्रेन एडिक्शन द्वारा प्रदान किया गया है। द्वारा निर्देशित एवल फिल्म में निर्देशित क्लेरियर डेनिसल पटकथा की है। केरियल डेनिसी, जीना फोल ब्रेवर द्वारा निर्मित जॉर्ज वेम्योर अभिनेती, विस्टेन ग्लेरी द्वारा कल वेरिशी
Waiter, darling, exnate. छायांकन एलिस गेडर्स द्वारा संपादित नीली क्लोविटर. संगीत दिया है टिकॉन सेट उत्पादक कंपनियां एटोल फ्रांसिक सिनेमा नहर स्टेन नेशनल डालो सिनेमा ग्रोफई ट्रेनर्स फिल्म मेस्टोल फिल्म जेवटॉन टॉनिचल फ्रांसिक स्नेहंग द्वारा वितरित रिजोल फिल्म फ्रांसी में काइनेट जापान लेटर 47 यूरिक विलियन क्नेजड्रा फिल्म ट्रेशिल रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001 11 जुलाई 2001 फ्रांस 2 नवंबर 2001 जापान कार्यकारी समय 101 मिनट देश फ्रांस जर्मनी जापान बोली फ्रेंची अंग्रेजी बजट 3.8 मिलियन एलेक्सिन हॉजर जिन्होंने डेनिशल की पिछली फिल्म नेटन एट वार्मिंग में अनुभवीय किया था एक मृतल में एक लड़की के रूप में एक छोटा सा केमियो है जो सेन को दिखती है एक अमेरिकन जोड़ा सॉन्डेन डॉक्टर सैनी ब्राउन और उनकी पत्नी जूनी प्रेशियर जानते हैं जहरी तौर पर उनके नए निमन के लिए वास्तविक में सैन नुशल डॉल लियो स्टेमियर और उनकी पत्नी कोरल का शिकार करने के लिए प्रेशियर आगे है उन्हें सैन एक बार जानते थे और उनके प्रति जूनी थे एक शानदार फेलियर होने के बावजूद लिए अब लो प्रेरिफल रखने के लिए एक सामान्य चिकित्सा के रूप में काम कर रहा है वह हर दिन कोर को उनके घर बंद कर देता है लेकिन वह कभी भाग जाता है और पुरुषों के साथ हिंसक हत्या करने से पहले उनके साथ यौनी संबंध बनाती है उसकी रक्षा के लिए लियो सैव को दफनाने देते हैं सैनी सेवेंट के ठिकाने की जांच शुरू करती है एक डॉक्टर जो कभी लियो के साथ काम करता है अंत सैनी को डिपार्टमेंट का पता देती है जहां समझते हुए कि कौन अवस्था है इस बीच को ह्यूबी जो सैनी के शहर में घुसा रहे हैं और उनमें ऐसे एक कोरल को एक बैटल ऑफ कमरे में बाता है जब वह उसे बखाती है कि वे शेयर करना शुरू कर देते हैं लेकिन वह हिंसक रूप से उसे मौत के घाट उतार देती है जिससे उसकी जेवी को उसके दांतों से निकालने के लिए जा शोडल आती है और मेडिकल को खून के वह उसे काटने की कोशिश करती है लेकिन सोनी और उसके हवाइयों को जैसे ही वह उसके गाले में जाते हैं हवाई हो जाते हैं जैसे ही वह उसका गला घोटती है तो वह माचिस गिरा देती है और जिससे कि घर में आग लग जाती है सेना उसे आग की लपटों में से वैश्वित होने के लिए छोड़ देती है सैनी के जाने के लिए ठीक बाद लियो आता है और नहरिहार और मृत्य कौर को दिखाता है कौर की मृत्यु के बाद सेना अजीब और दूर हो जाती है अपनी पत्नी के साथ सह करते हुए वह रुक जाता है और भस्मीकृत करने ख़त्म कर देता है फिर उसे दूर भागता है और एक विलय गैद गोद लेता है अंत में वह एक होटल में जाता है जहाँ वह एक नौकरी करने के साथ बेरहमी से बलात्कार करता है और से काटता है कि फिर उसके शहर से खून की बौछार करता है और धास्ता है कि उसकी पत्नी प्रेशर करती है कि और योनि पर घट लेते हैं के लिए सहमत होते हैं सैनी ब्राउन के रूप में बेसी गैलो
जॉनी ब्राउन के रूप में रेगल वैशी, कॉरी के रूप में ब्रेजी डेल, लियो सैनिम के रूप में ब्रेटल डेल। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मुसीबत हर दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेवल एवरेज डे 2001 की एक फ्रांसी कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो क्लेरियर डेनिस द्वारा निर्देशित और डेनिस और जीन पॉल कॉरियल द्वारा लिखित है। इसमें वेस्टली गोलियर ट्रेरियर्स बेसिक प्रेडल इरेक्शन ब्रेलियर और ब्रेलियर हरानिंग ने अभिनय किया है। फिल्म का साउट्रेन एडिक्शन द्वारा प्रदान किया गया है। द्वारा निर्देशित एवल फिल्म में निर्देशित क्लेरियर डेनिसिल पटकथा की है। केरियल डेनिसी जीना फोल फ्रेवर द्वारा निर्मित जॉर्ज वेमियोर अभिनेती विस्टेन ग्लेरी दोरेकल वेरिशी ब्रेटर डॉलिंग एक्शनेट छायांकन एलिस गेडर द्वारा संपादित नीली क्लोविटर संगीत दिया है टिकॉन सेट उत्पादक कंपनियां एटोल फ्रांसिक सिनेमा नहर स्टेन नेशनल डालो सिनेमा ग्रोफी ट्रेनर्स फिल्म मेस्टोल फिल्म जेवटॉन टोनिचल फ्रांसिक स्नेहंग द्वारा वितरित रिजोल फिल्म फ्रांसी में काइनेट जापान लेटर 47 यूरिक विलियन क्रेजड्रा फिल्म ट्रेशिल रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001 11 जुलाई 2001 फ्रांस 2 नवंबर 2001 जापान कार्यकारी समय 101 मिनट देश फ्रांस जर्मनी जापान बोली फ्रेंची अंग्रेजी बजट 3.8 मिलियन एलेक्सिन हॉजर जिन्होंने डेनिसल की पिछली फिल्म नेटन एट वॉमिंग में अनुभव्य किया था। एक ब्रेटल में एक लड़की के रूप में एक छोटा सा केमियो है जो सेन को दिखती है। एक अमेरिकन जोड़ा सॉन्डेन डॉक्टर सैनी ब्राउन और उनकी पत्नी जूनी प्रेशियर जानते हैं जहरी तौर पर उनके नहनीमन के लिए वास्तविक में सैन नुशल डॉल लियो स्टेमियर और उनकी पत्नी कोरल का शिकार करने के लिए प्रेशियर आगे है। उन्हें सैन एक बार जानते थे और उनके प्रति जूनी थे। एक शानदार फेलियर होने के बावजूद लिए अब लो प्रेरिफल रखने के लिए एक सामान्य चिकित्सा के रूप में काम कर रहा है। वह हर दिन कोर को उनके घर बंद कर देता है लेकिन वह कभी भाग जाता है और पुरुषों के साथ हिंसक हत्या करने से पहले उनके साथ यौन संबंध बनाती है। उसकी रक्षा के लिए लियो सैम को दफनाने देते हैं। सैनी सेवेंट के ठिकाने की जांच शुरू करती है। एक डॉक्टर जो कभी लियो के साथ काम करता है अंत सैनी को डिपॉजिट का पता देती है
जहाँ समझते हुए कि कौर अवस्था है, इस बीच को यूवी जो सैनिक के शहर में घुसा रहे हैं और उनमें ऐसे एक कोरल को एक बैटल ऑफ कमरे में बाता है। जब वह उसे बखाती है कि वे शय करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह हिंसक रूप से उसे मौत के घाट उतार देती है, जिससे उसकी जैवी को उसके दांतों से निकालने के लिए जा सोडल आती है और वेटल को खून के वह उसे काटने की कोशिश करती है, लेकिन सोडी और उसके हवाइयों को जैसे ही वह उसके गाले वेटोस में जाते हैं हवाई हो जाते हैं। जैसे ही वह उसका गला घोटती है तो वह माचिस गिरा देती है और जिससे कि घर में आग लग जाती है। सेना उसे आग की लपटों में से वैश्वित होने के लिए छोड़ देती है। शैनी के जाने के लिए ठीक बाद लियो आता है और नहरिहार और मृत्य कौर को दिखाता है। कौर की मृत्यु के बाद सेना जीव और दूर हो जाती है। अपनी पत्नी के साथ सह करते हुए वह रुक जाता है और भस्मीकृत करने ख़त्म कर देता है। फिर उसे दूर भागता है और एक विलय गैद गोद लेता है। अंत में वह एक होटल में जाता है जहाँ वह एक नौकरी करने के साथ बेरहमी से बलात्कार करता है और से काटता है कि फिर उसके शहर से खून की बौछार करता है और धास्ता है कि उसकी पत्नी पेशर करती है कि और योनि पर घट लेते के लिए सहमत होते हैं। शनी ब्राउन के रूप में बेशी गैलो, जॉनी ब्राउन के रूप में रेगल वैशी, कोरी के रूप में ब्रेशी डेल, लियो सैनिम के रूप में ब्रेटल डेल। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मुसीबत हर दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेवल एवरेज डे 2001 की एक फ्रांसी कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो क्लेरियर डेनिस द्वारा निर्देशित और टेनिस और जीन पॉल कॉरियल द्वारा लिखित है। इसमें वेस्टली गोलियर ट्रेरियर्स बेसिक प्रेडल इरेक्शन ब्रेलियर और ब्रेलियर हरानी ने अभिनय किया है। फिल्म का साउट्रेन एडिक्शन द्वारा प्रदान किया गया है। द्वारा निर्देशित एवल फिल्म में निर्देशित क्लेरियर डेनिसल पटकथा की है। केरियल डेनिसी जीना फोल ब्रेवर द्वारा निर्मित जॉर्ज वेम्योर अभिनेती विस्टेन ग्लेरी दोरेकल वेरिशी ब्रेटर डॉलिंग एक्सनेट छायांकन एलिस गेडर्स द्वारा संपादित नीली क्लोविटर संगीत दिया है टिकॉन सेट उत्पादक कंपनियां एटोल फ्रांसिक सिनेमा नहर स्टेन नेशनल डालो सिनेमा ग्रोफी ट्रेनर्स फिल्म मेस्टॉल फिल्म जेवटॉन टॉनिचल फ्रांसिक स्नेहंग द्वारा वितरित रिजोल फिल्म फ्रांसी में काइनेट जापान लेटर 47 यूरिक विलियन क्नेजड्रा फिल्म ट्रेशिल रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001 11 जुलाई 2001 फ्रांस 2 नवंबर 2001 जापान
कार्यकारी समय 101 मिनट, देश फ्रांस, जर्मनी, जापान, बोली फ्रेंची, अंग्रेजी, बजट 3.8 मिलियन, इलेक्शन हजर, जिन्होंने डेनिशल की पिछली फिल्म नेटन एट वॉमिंग में अनुभवीय किया था, एक मृतल में एक लड़की के रूप में एक छोटा सा केमियो है जो सेन को दिखती है। एक अमेरिकन जोड़ा सोंडेन, डॉक्टर सैनी ब्राउन और उनकी पत्नी जूनी प्रेशियर जानते हैं जहरी तौर पर उनके नए निमन के लिए, वास्तविक में सैन नुशल डॉल लियो स्टेमियर और उनकी पत्नी कोरल का शिकार करने के लिए प्रेशियर आगे है। उन्हें सैन एक बार जानते थे और उनके प्रति जूनी थे। एक शानदार फेलियर होने के बावजूद लिए अब लो प्रेरिफल रखने के लिए एक सामान्य चिकित्सा के रूप में काम कर रहा है। वह हर दिन कोर को उनके घर बंद कर देता है, लेकिन वह कभी भाग जाता है और पुरुषों के साथ हिंसक हत्या करने से पहले उनके साथ यौनी संबंध बनाती है। उसकी रक्षा के लिए लियो सैम को दफनाने देते हैं। सैनी सेमेंट के ठिकाने की जांच शुरू करती है। एक डॉक्टर जो कभी लियो के साथ काम करता है अंत सैनी को डिपॉजिट का पता देती है, जहां समझते हुए कि कौन अवस्था है। इस बीच को ह्यूबी जो सैनी के शहर में घुसा रहे हैं और उनमें ऐसे एक कोरल को एक बैटल ऑफ कमरे में बाता है। जब वह उसे बखाती है कि वे शेयर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह हिंसक रूप से उसे मौत के घाट उतार देती है, जिससे उसकी जैवी को उसके दांतों से निकालने के लिए जा सोडल आती है और मेडिकल को खून के वह उसे काटने की कोशिश करती है, लेकिन सोडी और उसके हवाइयों को जैसे ही वह उसके गाले टॉर्च में जाते हैं हवाई हो जाते हैं। जैसे ही वह उसका गला घोटती है तो वह माचिस गिरा देती है और जिससे कि घर में आग लग जाती है। सेना उसे आग की लपटों में से वैश्वित होने के लिए छोड़ देती है। सैनी के जाने के लिए ठीक बाद लियो आता है और नहरिहार और मृत्य कौर को दिखाता है। कौर की मृत्यु के बाद सेना अजीब और दूर हो जाती है। अपनी पत्नी के साथ सह करते हुए वह रुक जाता है और भस्मीकृत करने ख़त्म कर देता है। फिर उसे दूर भागता है और एक विलय गैद गोद लेता है। अंत में वह एक होटल में जाता है जहाँ वह एक नौकरी करने के साथ बेरहमी से बलात्कार करता है और से काटता है कि फिर उसके शहर से खून की बौछार करता है और धास्ता है कि उसकी पत्नी प्रेशर करती है कि और योनि पर घट लेते हैं के लिए सहमत होते हैं। सैनी ब्राउन के रूप में बेसी गैलो, जॉनी ब्राउन के रूप में ट्रेगल वैशी, कोरी के रूप में ब्रेजी डेल, लियो सैनिम के रूप में ब्रेटल डेल। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मुसीबत हर दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेवल एवरेज डे 2001 की एक फ्रांसी कॉमेडी हॉरर फिल्म है।
जो क्लेरियर डेनिस द्वारा निर्देशित और डेनिस और जीन पॉल कॉरियल द्वारा लिखित है। इसमें वेस्टिली गोलियर ट्रेरियर्स बेसिक प्रेडल इरेक्शन मरेलियर और मरेलियर हरानिंग ने अभिमन्य किया है। फिल्म का साउट्रेन एडिक्शन द्वारा प्रदान किया गया है। द्वारा निर्देशित एवल फिल्म में निर्देशित क्लेरियर डेनिशिल पटकथा की है। केरियल डेनिसी जीना फोल फ्रेवर द्वारा निर्मित जॉर्ज वेम्योर अभिनेती विस्टेन ग्लेरी दोरेकल वेरिशी ब्रेटर डॉलिंग एक्शनेट छायांकन एलिस गेडर द्वारा संपादित नीली क्लोविटर संगीत दिया है टिकॉन सीट उत्पादक कंपनियां एटोल फ्रांसिक सिनेमा नहर स्टेन नेशनल डालो सिनेमा ग्रोफी ट्रेनर्स फिल्म मेस्टोल फिल्म जेबटॉन टॉनिचल फ्रांसिक स्नेहंग द्वारा वितरित रिजोल फिल्म फ्रांसी में काइनेट जापान लेटर 47 यूरिक विलियन क्रेजड्रा फिल्म ट्रेशिल रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001 11 जुलाई 2001 फ्रांस 2 नवंबर 2001 जापान कार्यकारी समय 101 मिनट देश फ्रांस जर्मनी जापान बोली फ्रेंची अंग्रेजी बजट 3.8 मिलियन एलेक्सिन हर्जर जिन्होंने डेनिशल की पिछली फिल्म नेटन एट वॉमिंग में अनुभवीय किया था एक मृतल में एक लड़की के रूप में एक छोटा सा केमियो है जो सेन को दिखती है। एक अमेरिकन जोड़ा सोंडेन डॉक्टर सैनी ब्राउन और उनकी पत्नी जूनी प्रेशियर जानते हैं जहरी तौर पर उनके नहनीमन के लिए वास्तविक में सैन नुशल डॉल लियो स्टेमियर और उनकी पत्नी कोरल का शिकार करने के लिए प्रेशियर आगे है। उन्हें सैन एक बार जानते थे और उनके प्रति जूनी थे। एक शानदार फेलियर होने के बावजूद लिए अब लो प्रेरी फल रखने के लिए एक सामान्य चिकित्सा के रूप में काम कर रहा है। वह हर दिन कोर को उनके घर बंद कर देता है लेकिन वह कभी भाग जाता है और पुरुषों के साथ हिंसक हत्या करने से पहले उनके साथ यौन संबंध बनाती है। उसकी रक्षा के लिए लियो सैम को दफनाने देते हैं। सैनी सेवेंट के ठिकाने की जांच शुरू करती है। एक डॉक्टर जो कभी लियो के साथ काम करता है अंत सैनी को डिपार्टमेंट का पता देती है जहां समझते हुए कि कौन अवस्था है। इस बीच को यूवी जो सैनी के शहर में घुसा रहे हैं और उनमें ऐसे एक कोरल को एक बैटल ऑफ कमरे में बाता है। जब वह उसे बखाती है कि वे शय करना शुरू कर देते हैं लेकिन वह हिंसक रूप से उसे मौत के घाट उतार देती है जिससे उसकी जैविक और उसके दांतों से निकालने के दिए जा सोडल आती है और मेटल को खून के वह उसे काटने की कोशिश करती है लेकिन सोनी और उसके हवाइयों को जैसे ही वह उसके गाले और जाते हैं
हवाई हो जाते हैं। जैसे ही वह उसका ग्वाला गाड़ती है तो वह माचिस गिरा देती है और जिससे कि घर में आग लग जाती है। सेना उसे आग की लपटों में से वैश्यित होने के लिए छोड़ देती है। सैनी के जाने के लिए ठीक बाद लियो आता है और नहरिहार और मृत्य कौर को दिखाता है। कौर की मृत्यु के बाद सेना जीव और दूर हो जाती है। अपनी पत्नी के साथ सह करते हुए वह रुक जाता है और भस्मित करने ख़त्म कर देता है। फिर उसे दूर भागता है और एक विलय गैद गोद लेता है। अंत में वह एक होटल में जाता है जहाँ वह एक नौकरी करने के साथ बेरहमी से बलात्कार करता है और से काटता है कि फिर उसके शहर से खून की बौछार करता है और धास्ता है कि उसकी पत्नी प्रेशर करती है कि और योनि पर घट लेते हैं के लिए सहमत होते हैं। शनी ब्राउन के रूप में बेशी गैलो, जॉनी ब्राउन के रूप में रेगल वैशी, कोरी के रूप में ब्रेशी डेल, लियो सैनिम के रूप में ब्रेटल डेल। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मुसीबत हर दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेवल एवरेज डे 2001 की एक फ्रांसी कॉमिक हॉरर फिल्म है जो क्लेरियर डेनिस द्वारा निर्देशित और टेनिस और जीन पॉल कॉरियल द्वारा लिखित है। इसमें वेस्टली गोलियर, ट्रेरियर्स, बेसिक प्रेडल, इरेक्शन ब्रेलियर और ब्रेलियर हरानी ने अभिनय किया है। फिल्म का साउट्रेन एडिक्शन द्वारा प्रदान किया गया है। द्वारा निर्देशित एवल फिल्म में निर्देशित क्लेरियर डेनिसल पटकथा की है। केरियल डेनिसी, जीना फोल ब्रेवर द्वारा निर्मित, जॉर्ज वेम्योर अभिनेती, विस्टेन ग्लेरी दोरेकल वेरिशी, ब्रेटर डॉलिंग एक्सनेट, छायांकन एलिस गेडर द्वारा संपादित, नीली क्लोविटर संगीत दिया है टिकॉन सेट, उत्पादक कंपनियां एटोल फ्रांसिक सिनेमा नहर, स्टेन नेशनल डालो सिनेमा ग्रोफी, ट्रेनर्स फिल्म, मेस्टॉल फिल्म, जेवटॉन टॉनिचल फ्रांसिक स्नेहंग द्वारा वितरित, रिजोल फिल्म फ्रांसी में, काइनेट जापान लेटर 47 यूरिक विलियन क्रेजड्रा फिल्म ट्रेशिल, रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001, 11 जुलाई 2001 फ्रांस, 2 नवंबर 2001 जापान, कार्यकारी समय 101 मिनट, देश फ्रांस, जर्मनी, जापान, बोली फ्रेंची अंग्रेजी, बजट 3.8 मिलियन। एलेक्सिन हॉजर जिन्होंने डेनिसल की पिछली फिल्म नेटन एट वॉमिंग में अनुभवीय किया था, एक मृतल में एक लड़की के रूप में एक छोटा सा केमियो है जो सेन को दिखती है। एक अमेरिकन जोड़ा सॉन्डेन डॉक्टर सैनी ब्राउन और उनकी पत्नी जूनी प्रेशियर जानते हैं
जहरी तौर पर उनके नहनुमन के लिए वास्तविक में सैन नुशल डॉल लियो स्टेमियर और उनकी पत्नी कोरल का शिकार करने के लिए प्रेशियर आगे है। उन्हें शेन एक बार जानते थे और उनके प्रति जूनी थे। एक शानदार फेलियर होने के बावजूद लिए अब लो प्रेरिफल रखने के लिए एक सामान्य चिकित्सा के रूप में काम कर रहा है। वह हर दिन कोर को उनके घर बंद कर देता है, लेकिन वह कभी भाग जाता है और पुरुषों के साथ हिंसक हत्या करने से पहले उनके साथ यौनी संबंध बनाती है। उसकी रक्षा के लिए लियो सैव को दफनाने देते हैं। सैनी सेवेंट के ठिकाने की जांच शुरू करती है। एक डॉक्टर जो कभी लियो के साथ काम करता है अंत सैनी को डिपॉजिट का पता देती है, जहां समझते हुए कि कौर अवस्था है। इस बीच को ह्यूबी जो सैनी के शहर में घुसा रहे हैं और उनमें ऐसे एक कोरल को एक बैटल ऑफ कमरे में बाता है। जब वह उसे बखाती है कि वे शेयर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह हिंसक रूप से उसे मौत के घाट उतार देती है, जिससे उसकी जैविक और उसके दांतों से निकलने के लिए जहाँ सोडल आती है और मेडिकल को खोल के वह उसे काटने की कोशिश करती है, लेकिन सोडी और उसके हवाइयों को जैसे ही वह उसके गालों तो में जाते हैं हवाई हो जाते हैं। जैसे ही वह उसका गला गाड़ती है तो वह माचिस गिरा देती है और जिससे कि घर में आग लग जाती है। सेना उसे आग की लपटों में से वैश्वित होने के लिए छोड़ देती है। सैनी के जाने के लिए ठीक बाद लियो आता है और नहरिहार और मृत्य कौर को दिखाता है। कौर की मृत्यु के बाद सेना अजीब और दूर हो जाती है। अपनी पत्नी के साथ सह करते हुए वह रुक जाता है और भस्मीकृत करने ख़त्म कर देता है। फिर उसे दूर भागता है और एक विलय गैद गोद लेता है। अंत में वह एक होटल में जाता है जहाँ वह एक नौकरी करने के साथ बेरहमी से बलात्कार करता है और से काटता है कि फिर उसके शहर से खून की बौछार करता है और धास्ता है कि उसकी पत्नी प्रेशर करती है कि और योनि पर घट लेते हैं के लिए सहमत होते हैं। शनी ब्राउन के रूप में बेसी गैलो, जॉनी ब्राउन के रूप में ट्रेगल वैशी, कोरी के रूप में ब्रेजी डेल, लियो सैनिम के रूप में ब्रेटल डेल। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मुसीबत हर दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेवल एवरेज डे 2001 की एक फ्रांसी कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो क्लेरियर डेनिस द्वारा निर्देशित और टेनिस और जीन पॉल कॉरियल द्वारा लिखित है। इसमें वेस्टली गोलियर, ट्रेरियर्स, बेसिक प्रेडल, इरेक्शन मेलियर और मेलियर हरानिंग ने अभिनय किया है। फिल्म का साउट्रेन एडिक्शन द्वारा प्रदान किया गया है।
गौरव निर्देशित एवल फिल्म में निर्देशित क्लेरियर डेनिशल पटकथा की है केरियल डेनिसी जीना फोल फ्रेवर द्वारा निर्मित जॉर्ज वेम्योर अभिनेती विस्टेन ग्लेरी दोरेकल वेरिशी ब्रेटर डॉलिंग एक्शनेट छायांकन एलिस गेडर द्वारा संपादित नीली क्लोविटर संगीत दिया है टिकॉन सेट उत्पादक कंपनियां एटोल फ्रांसिस सिनेमा नहर स्टेन नेशनल डालो सिनेमा ग्रोफी ट्रेनर्स फिल्म मेस्टॉल फिल्म जेवटॉन टॉनिचल फ्रांसिस स्नेहंग द्वारा वितरित रिजोल फिल्म फ्रांसी में काइनेट जापान लेटर 47 यूरिक विलियन क्रेजड्रा फिल्म ट्रेशिल रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001 11 जुलाई 2001 फ्रांस 2 नवंबर 2001 जापान कार्यकारी समय 101 मिनट देश फ्रांस जर्मनी जापान बोली फ्रेंची अंग्रेजी बजट 3.8 मिलियन एलेक्सिन हर्जर जिन्होंने डेनिशल की पिछली फिल्म नेटन एट वॉमिंग में अनुभव्य किया था एक मृतल में एक लड़की के रूप में एक छोटा सा केमियो है जो सेन को दिखती है एक अमेरिकन जोड़ा सोंडेन डॉक्टर सैनी ब्राउन और उनकी पत्नी जूनी प्रेशियर जानते हैं जहरी तौर पर उनके नहनुमन के लिए वास्तविक में सैन नुशल डॉल लियो स्टेमियर और उनकी पत्नी कोरल का शिकार करने के लिए प्रेशियर आगे है उन्हें सैन एक बार जानते थे और उनके प्रति जूनी थे एक शानदार फेलियर होने के बावजूद लिए अब लो प्रेरिफल रखने के लिए एक सामान्य चिकित्सा के रूप में काम कर रहा है वह हर दिन कोर को उनके घर बंद कर देता है लेकिन वह कभी भाग जाता है और पुरुषों के साथ हिंसक हत्या करने से पहले उनके साथ यौन संबंध बनाती है उसकी रक्षा के लिए लियो सैम को दफनाने देते हैं सैनी सेवेंट के ठिकाने की जांच शुरू करती है एक डॉक्टर जो कभी लियो के साथ काम करता है अंत सैनी को डिपार्टमेंट का पता देती है जहां समझते हुए कि कौन अवस्था है इस बीच को यूवी जो सैनी के शहर में घुसा रहे हैं और उनमें ऐसे एक कोरल को एक बैटल ऑफ कमरे में बाता है जब वह उसे बखाती है कि वे शय करना शुरू कर देते हैं लेकिन वह हिंसक रूप से उसे मौत के घाट उतार देती है जिससे उसकी जैविक और उसके दांतों से निकालने के दिए जा सोडल आती है और मेटल को खून के वह उसे काटने की कोशिश करती है लेकिन सोनी और उसके हवाइयों को जैसे ही वह उसके गाले टॉर्च में जाते हैं हवाई हो जाते हैं जैसे ही वह उसका गला घोटती है तो वह माचिस गिरा देती है और जिससे कि घर में आग लग जाती है सेना उसे आग की लपटों में से वैश्वित होने के लिए छोड़ देती है सैनी के जाने के लिए ठीक बाद लियो आता है और नहरिहार और मृत्य कौर को दिखाता है कौर की मृत्यु के बाद सेना जीव और दूर हो जाती है अपनी पत्नी के साथ सह करते हुए वह रुक जाता है और भस्मीकृत करने ख़त्म कर देता है फिर उसे दूर भागता है और एक विलय गैद गोद लेता है अंत में वह एक होटल में जाता है जहाँ वह एक नौकरी करने के साथ बेरहमी से बलात्कार करता है
और से काटता है कि फिर उसके शहर से खून की बौछार करता है और धास्ता है कि उसकी पत्नी पेशेर करती है कि और योनि पर घट लेते हैं के लिए सहमत होते हैं। शनी ब्राउन के रूप में बेशी गैलो, जॉनी ब्राउन के रूप में रेगल वैशी, कॉरी के रूप में ब्रेशी डेल, लियो सैनिम के रूप में ब्रेटल डेल। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मुसीबत हर दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेवल एवरेज डे 2001 की एक फ्रांसी कॉमिक हॉरर फिल्म है जो क्लेरियर डेनिस द्वारा निर्देशित और डेनिस और जीन पॉल कॉरियल द्वारा लिखित है। इसमें वेस्टली गोलियर ट्रेरियर्स बेसिक प्रेडल इरेक्शन ब्रेलियर और ब्रेलियर हरानी ने अभिनय किया है। फिल्म का साउट्रेन एडिक्शन द्वारा प्रदान किया गया है। द्वारा निर्देशित एवल फिल्म में निर्देशित क्लेरियर डेनिसिल पटकथा की है। केरियल डेनिसी जीना फोल ब्रेवर द्वारा निर्मित जॉर्ज वेम्योर अभिनेती विस्टेन ग्लेरी दोरेकल वेरिशी ब्रेटर डॉलिंग एक्सनेट छायांकन एलिस गेडर द्वारा संपादित नीली क्लोविटर संगीत दिया है टिकॉन सेट उत्पादक कंपनियां एटोल फ्रांसिक सिनेमा नहर स्टेन नेशनल डालो सिनेमा ग्रोफी ट्रेनर्स फिल्म मेस्टोल फिल्म जेवटॉन टॉनिचल फ्रांसिक स्नेहंग द्वारा वितरित रिजोल फिल्म फ्रांसी में काइनेट जापान लेटर 47 यूरिक विलियन क्रेजड्रा फिल्म ट्रेशिल रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001 11 जुलाई 2001 फ्रांस 2 नवंबर 2001 जापान कार्यकारी समय 101 मिनट देश फ्रांस जर्मनी जापान बोली फ्रेंची अंग्रेजी बजट 3.8 मिलियन एलेक्सिन हॉजर जिन्होंने डेनिसल की पिछली फिल्म नेटन एट वॉमिंग में अनुभवीय किया था। एक ब्रेटल में एक लड़की के रूप में एक छोटा सा केमियो है जो सेन को दिखती है। एक अमेरिकन जोड़ा सॉन्डेन डॉक्टर सैनी ब्राउन और उनकी पत्नी जूनी प्रेशियर जानते हैं जहरी तौर पर उनके नए निमन के लिए वास्तविक में सैन नुशल डॉल लियो स्टेमियर और उनकी पत्नी कोरल का शिकार करने के लिए प्रेशियर आगे है। उन्हें सैन एक बार जानते थे और उनके प्रति जूनी थे। एक शानदार फेलियर होने के बावजूद लिए अब लो प्रेरिफल रखने के लिए एक सामान्य चिकित्सा के रूप में काम कर रहा है। वह हर दिन कोर को उनके घर बंद कर देता है लेकिन वह कभी भाग जाता है और पुरुषों के साथ हिंसक हत्या
करने से पहले उनके साथ यौनी संबंध बनाती है। उसकी रक्षा के लिए लियो सैव को दफनाने देते हैं। सैनी सेवेंट के ठिकाने की जांच शुरू करती है एक डॉक्टर जो कभी लियो के साथ काम करता है। अंत सैनी को डिपॉन्टेट का पता देती है जहां समझते हुए कि कौर अवस्था है। इस बीच को ह्यूबी जो सैनी के शहर में घुसा रहे हैं और उनमें ऐसे एक कोरल को एक बैटल ऑफ कमरे में बाता है। जब वह उसे बखाती है कि वे शेयर करना शुरू कर देते हैं लेकिन वह हिंसक रूप से उसे मौत के घाट उतार देती है जिससे उसकी जेवी को उसके दांतों से निकालने के लिए जा सोडल आती है और मेडिकल को खून के वह उसे काटने की कोशिश करती है लेकिन सोडी और उसके हवाइयों को जैसे ही वह उसके गाले टॉर्च में जाते हैं हवाई हो जाते हैं। जैसे ही वह उसका गला घोटती है तो वह माचिस गिरा देती है और जिससे कि घर में आग लग जाती है। सेना उसे आग की लपटों में से वैश्वित होने के लिए छोड़ देती है। सैनी के जाने के लिए ठीक बाद लियो आता है और नहरिहार और मृत्य कौर को दिखाता है। कौर की मृत्यु के बाद सेना अजीब और दूर हो जाती है। अपनी पत्नी के साथ सह करते हुए वह रुक जाता है और भेजतेमेत करने ख़त्म कर देता है। फिर उसे दूर भागता है और एक विलय गैद गोद लेता है। अंत में वह एक होटल में जाता है जहाँ वह एक नौकरी करने के साथ बेरहमी से बलात्कार करता है और से काटता है कि फिर उसके शहर से खून की बौछार करता है और धास्ता है कि उसकी पत्नी प्रेशर करती है कि और योनि पर घट लेते हैं के लिए सहमत होते हैं। शनी ब्राउन के रूप में बेशी गैलो जॉनी ब्राउन के रूप में ट्रेगल वैशी कोरी के रूप में ब्रेजी डेल लियो सैनिम के रूप में ब्रेटल डेल। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मुसीबत हर दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेवल एवरेज डे 2001 की एक फ्रांसी कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो क्लेरियर डेनिस द्वारा निर्देशित और टेनिस और जीन पॉल कॉरियल द्वारा लिखित है। इसमें वेस्टली गोलियर ट्रेरियर्स बेसिक प्रेडल इरेक्शन मेलियर और मेलियर हरानिंग ने अभिनय किया है। फिल्म का साउट्रेन एडिक्शन द्वारा प्रदान किया गया है। द्वारा निर्देशित एवल फिल्म में निर्देशित क्लेरियर डेनिसिल पटकथा की है। केरियल डेनिसी जीना फोल फ्रेवर द्वारा निर्मित जॉर्ज वेमियोर अभिनेती विस्टेन ग्लेरी दोरेकल वेरिशी ब्रेटर डॉलिंग एक्सनेट छायांकन एलिस गेडर्स द्वारा संपादित नीली क्लोविटर संगीत दिया है टिकॉन सेट उत्पादक कंपनियां एटोल फ्रांसिक सिनेमा नहर स्टेन नेशनल डालो सिनेमा ग्रोफी ट्रेनर्स फिल्म मेस्टॉल फिल्म जेवटॉन टॉनिचल फ्रांसिक स्नेहंग द्वारा
विपरीत रिजोल्व फिल्म फ्रांसी में काइनेट जापान लेटर 47 यूरिक मिलियन क्रेज ड्रा फिल्म चैशिल रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001 11 जुलाई 2001 फ्रांस 2 नवंबर 2001 जापान कार्यकारी समय 101 मिनट देश फ्रांस जर्मनी जापान बोली फ्रेंची अंग्रेजी बजट 3.8 मिलियन एलेक्सिन हर्जर जिन्होंने डेनिशल की पिछली फिल्म नेटन एट वॉमिंग में अनुभव्य किया था एक मृतल में एक लड़की के रूप में एक छोटा सा केमियो है जो सेन को दिखती है एक अमेरिकन जोड़ा सोडन डॉक्टर सैनी ब्राउन और उनकी पत्नी जूनी प्रेशियर जानते हैं जहरी तौर पर उनके नहनुमन के लिए वास्तविक में सैन नुशल डॉल लियो स्टेमियर और उनकी पत्नी कोरल का शिकार करने के लिए प्रेशियर आगे है उन्हें सैन एक बार जानते थे और उनके प्रति जूनी थे एक शानदार फेलियर होने के बावजूद लिए अब लो प्रेरिफल रखने के लिए एक सामान्य चिकित्सा के रूप में काम कर रहा है वह हर दिन कोर को उनके घर बंद कर देता है लेकिन वह कभी भाग जाता है और पुरुषों के साथ हिंसक हत्या करने से पहले उनके साथ यौन संबंध बनाती है उसकी रक्षा के लिए लियो सैम को दफनाने देते हैं सैनी सेवेंट के ठिकाने की जांच शुरू करती है एक डॉक्टर जो कभी लियो के साथ काम करता है अंत सैनी को डिपॉजिट का पता देती है जहाँ समझते हुए कि कौन अवस्था है इस बीच को ह्यूबी जो सैनी के शहर में घुसा रहे हैं और उनमें ऐसे एक कोरल को एक बैटल ऑफ कमरे में बाता है जब वह उसे बखाती है कि वे शय करना शुरू कर देते हैं लेकिन वह हिंसक रूप से उसे मौत के घाट उतार देती है जिससे उसकी जैविक और उसके दांतों से निकलने के लिए जा सोडल आती है और मेटल को खून के वह उसे काटने की कोशिश करती है लेकिन सोनी और उसके हवाइयों को जैसे ही वह उसके गाले टॉर्च में जाते हैं हवाई हो जाते हैं जैसे ही वह उसका गला गाड़ती है तो वह माचिस गिरा देती है और जिससे कि घर में आग लग जाती है सेना उसे आग की लपटों में से वैश्वित होने के लिए छोड़ देती है सैनी के जाने के लिए ठीक बाद लियो आता है और नहरिहार और मृत्य कौर को दिखाता है कौर की मृत्यु के बाद सेना जीव और दूर हो जाती है अपनी पत्नी के साथ सह करते हुए वह रुक जाता है और भस्मीकृत करने ख़त्म कर देता है फिर उसे दूर भागता है और एक विलय गैद गोद लेता है अंत में वह एक होटल में जाता है जहाँ वह एक नौकरी करने के साथ बेरहमी से बलात्कार करता है और से काटता है कि फिर उसके शहर से खून की बौछार करता है और धास्ता है कि उसकी पत्नी प्रेशर करती है कि और योनी पर घट लेते हैं के लिए सहमत होते हैं सैनी ब्राउन के रूप में बेशी गैलो जॉनी ब्राउन के रूप में जैगल वैशी कोरी के रूप में ब्रेशी डेल लियो सैनिम के रूप में ब्रेटल डेल ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल पर
आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको मुसीबत हर दिन मूवी के बारे में बताती हूँ। ट्रेवल एवरेज डे 2001 की एक फ्रांसी कॉमिक हॉरर फिल्म है जो क्लेरियर डेनिस द्वारा निर्देशित और डेनिस और जीन पॉल कॉरियल द्वारा लिखित है। इसमें वेस्टली गोलियर ट्रेरियर्स बेसिक प्रेडल इरेक्शन ब्रेलियर और ब्रेलियर हरानी ने अभिनय किया है। फिल्म का साउट्रेन एडिक्शन द्वारा प्रदान किया गया है। द्वारा निर्देशित एवल फिल्म में निर्देशित क्लेरियर डेनिसिल पटकथा की है। केरियल डेनिसी जीना फोल ब्रेवर द्वारा निर्मित जॉर्ज वेम्योर अभिनेती विस्टेन ग्लेरी दोरेकल वेरिशी ब्रेटर डॉलिंग एक्सनेट छायांकन एलिस गेडर द्वारा संपादित नीली क्लोविटर संगीत दिया है टिकॉन सेट उत्पादक कंपनियां एटोल फ्रांसिक सिनेमा नहर स्टेन नेशनल डालो सिनेमा ग्रोफी ट्रेनर्स फिल्म मेस्टॉल फिल्म जेवटॉन टॉनिचल फ्रांसिक स्नेहंग द्वारा वितरित रिजोल फिल्म फ्रांसी में काइनेट जापान लेटर 47 यूरिक विलियन क्रेजड्रा फिल्म ट्रेशिल रिलीज करने की तिथि 13 मई 2001 11 जुलाई 2001 फ्रांस 2 नवंबर 2001 जापान कार्यकारी समय 101 मिनट देश फ्रांस जर्मनी जापान बोली फ्रेंची अंग्रेजी बजट 3.8 मिलियन एलेक्सिन हॉजर जिन्होंने डेनिसल की पिछली फिल्म नेटन एट वॉमिंग में अनुभवीय किया था। एक मृतल में एक लड़की के रूप में एक छोटा सा केमियो है जो सेन को दिखती है। एक अमेरिकन जोड़ा सॉन्डेन डॉक्टर सैनी ब्राउन और उनकी पत्नी जूनी प्रेशियर जानते हैं जहरी तौर पर उनके नए निमन के लिए वास्तविक में सैन नुशल डॉल लियो स्टेमियर और उनकी पत्नी कोरल का शिकार करने के लिए प्रेशियर आगे है। उन्हें सैन एक बार जानते थे और उनके प्रति जूनी थे। एक शानदार फेलियर होने के बावजूद लिए अब लो प्रेरिफल रखने के लिए एक सामान्य चिकित्सा के रूप में काम कर रहा है। वह हर दिन कोर को उनके घर बंद कर देता है लेकिन वह कभी भाग जाता है और पुरुषों के साथ हिंसक हत्या करने से पहले उनके साथ यौनी संबंध बनाती है। उसकी रक्षा के लिए लियो सैव को दफनाने देते हैं। सैनी सेवेंट के ठिकाने की जांच शुरू करती है। एक डॉक्टर जो कभी लियो के साथ काम करता है अंत सैनी को डिपॉजिट का पता देती है जहां समझते हुए कि कौन अवस्था है। इस बीच को ह्यूबी जो सैनी के शहर में घुसा रहे हैं और उनमें ऐसे एक कोरल को एक बैटल ऑफ कमरे में बाता है। जब वह उसे बखाती है कि वे शेयर करना शुरू कर देते हैं लेकिन वह हिंसक रूप से उसे मौत के घाट उतार देती है।
जिससे उसकी जैविक और उसके दांतों से निकालने गए दिए जा सोडल आती है और वेटल को खोल के वह उसे काटने की कोशिश करती है, लेकिन सोनिया और उसके हवाइयों को जैसे ही वह उसके गालों में टॉर्च में जाते हैं हवाई हो जाते हैं। जैसे ही वह उसका गला घोटती है तो वह माचिस गिरा देती है और जिससे कि घर में आग लग जाती है। सेना उसे आग की लपटों में से वैश्वित होने के लिए छोड़ देती है। सैनी के जाने के लिए ठीक बाद लियो आता है और नहरिहार और मृत्य कौर को दिखाता है। कौर की मृत्यु के बाद सेना अजीब और दूर हो जाती है। अपनी पत्नी के साथ सह करते हुए वह रुक जाता है और भस्मित करने ख़त्म कर देता है। फिर उसे दूर भागता है और एक विलय गैद गोद लेता है। अंत में वह एक होटल में जाता है जहाँ वह एक नौकरी करने के साथ बेरहमी से बलात्कार करता है और से काटता है कि फिर उसके शहर से खून की बौछार करता है और धास्ता है कि उसकी पत्नी प्रेशर करती है कि और योनि पर घट लेते हैं के लिए सहमत होते हैं। शनी ब्राउन के रूप में बेशी गैलो, जॉनी ब्राउन के रूप में ट्रेगल वैशी, कोरी के रूप में ब्रेजी डेल, लियो सैनिम के रूप में ब्रेटल डेल। ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।